नशे में धुत एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिता और पुत्र दोनों ने शराब पी रखी थी। रात को दोनों के मध्य किसी विषय को लेकर वाद विवाद हो गया। वाद विवाद के दौरान गुस्से में आकर अमन कुमार ने अपने पिता रवि कुमार पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। शोर शराबा मचने के बाद पड़ोस के लोगों ने मौके पर पहुंचकर रवि कुमार को नागरिक चिकित्सालय नगरोटा बागवान पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने 55 वर्षीय रवि कुमार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नगरोटा बागवान के वार्ड नंबर 3 के निवासी बलदेव सिंह के बयान के आधार पर आरोपी अमन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। फेयर टीवी के लिए कांगड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट।